महत्वाकांक्षी व्यक्ति केवल राजनीति में सफल हो सकता है, बाकी जहां घुसेगा उसी को तोड़े फोड़ेगा। राजनीति में तो यहां से टूट के वहां चला गया, वहां से टूट के वहां चला गया। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को कुछ कुछ मिल जाता है और लोगों का उस पे से भरोसा भी हट जाता है कि हाँ राजनेता है, आज इधर कल उधर। लेकिन वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति राजनीति में नहीं होकर यदि वो व्यक्ति किसी सामाजिक संगठन में हो जाए, किसी धार्मिक संगठन में हो जाए, किसी संस्था में चला जाए, तो जैसे राजनीति वाले टूटते हैं ना एक बार दूसरे दिन 20-20 बार, ऐसे ही वो समाज, संस्था और संगठन टूट जाते हैं। इसीलिए आज ये टूट रहे हैं। कभी कभी प्रश्न खड़ा करते हो ना आप कि सब धार्मिक, सब वेद वाले क्यों आपस में लड़ झगड़े, क्यों टूट रहे हैं, ऐसी क्या त्रुटि हो रही है? त्रुटि ये है, राजनीति वाले संस्थाएं चला रहे हैं और संस्था चलाने वाले राजनीति में घुसे हुए हैं। अब ये धार्मिक सज्जन अच्छे व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो पाते, और जो राजनीति में सफल होते वो संस्थाओं में सफल नहीं हो पाते, वो संस्थाओं को तोड़ रहे हैं। तो वेद की बातों को ना मानने, ना जानने के कारण ये विरोधाभास हो रहा है, स्वार्थों का टकराव हो रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती से पूछा कि महाराज इस आपसी फूट का उपाय क्या है? कहते हैं इग्नोरेंस, अपेक्षा नहीं उपेक्षा। उनके जीवन का अनुभव था, इतिहास पढ़ा हुआ था। आपसी फूट जब हो जाती है, भाई में भाई पे के प्रति द्वेष घुस जाता है, महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाती है, अहंकार बहुत बढ़ जाता है, तो उसका कोई समाधान नहीं है। उसका एक ही समाधान है कि आप इग्नोर करो। आप क्या करो? उपेक्षा करो और अपने काम में लग जाओ। कितने दिन आपके पीछे पड़ेगा? एक दिन, दो दिन, एक महीना, छह महीना, एक साल, दो साल? उसका घर परिवार नहीं है क्या? आपके पीछे ही थोड़ी पड़ा रहेगा। उसके पास कोई कार्य नहीं है क्या? उसको रोटी भोजन नहीं खाना? उसको बीमारी नहीं आएगी क्या? एक साल बाद तो हर मनुष्य को एक बार बुखार आ जाता है, और ऐसे ऐसे द्वेष के पुजारियों को तो दो दो चार चार पांच पांच बार आएगा, तो वो बीमार हो जाएंगे। फिर कहां आपके ऊपर ध्यान देंगे? अपना नाक बह रहा है, आपके नाक की कहां चिंता करेंगे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा उपेक्षा करो, इग्नोर करो। उसका एक और कारण है इग्नोर करने का, आप किसी को अनावश्यक चर्चा का विषय बनाएंगे तो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, लोग उसके विषय में जान लेंगे किसके विषय में बात कर रहा है, क्या हो गया, ऐसी क्या घटना हो गई। तो व्यक्ति यही तो चाहता है कि मैं आपका विरोध करूं और आप फिर मेरे सामने आके प्रचार करवाए तो मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी बहुत बड़ी, और फिर जैसे ही मैं सामने आऊंगा तो चूहे की तरह छिपके बिल में भाग जाएगा, फिर जब मैं चला जाऊंगा फिर निकलेगा, फिर पीठ पीछे सब कुछ करेगा वो, तो फिर मैं जाऊंगा फिर भाग जाएगा। तो महर्षि ने कहा हम मूर्ख ठहरे थोड़ी है, हम तो बुद्धिमान है, हमें पता है कि वो इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो हम जाए ही क्यों, अपने कार्य करते रहो। इसीलिए उपेक्षा करो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो, उनके विषय में चर्चा मत करो, इससे लाभ बहुत होता है। और उस द्वेषी की, अहंकारी की, महत्वाकांक्षी व्यक्ति की बहुत हानि होती है इससे, क्योंकि जो वो चाहता उसे मिला ही नहीं, और उसे वो नहीं मिला, असली जीत इसमें है आपकी, है कि नहीं? वो जो चाहता है वो उसे ना मिले तो युद्ध हो रहा है एक प्रकार से, युद्ध में विजय प्राप्त करना है, ये नियम है संसार का। करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? अगर लड़ाई हो, युद्ध हो, तो जीतना चाहोगे या हारना? तो इस लड़ाई में
जो द्वेष के कारण हो रही है, महत्वाकांक्षा के कारण हो रही है, अहंकार के कारण हो रही, जीतेगा वो जो उपेक्षा करेगा। क्योंकि आपके उपेक्षा करने से उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ, उसका जो उद्देश्य था वो सिद्ध नहीं हुआ, उसका उद्देश्य और लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ, इसमें आपकी विजय हो गई। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत अध्ययन के पश्चात, उपासना करने के पश्चात परमपिता परमात्मा से उत्तर मांगा कि परमात्मा क्या चल रहा है, अच्छा काम करते हैं तो भी पत्थर फेंक रहे हैं, अच्छा काम करते हैं तो सांप फेंक रहे हैं मेरे ऊपर, अच्छा काम कर रहे हैं तो विष पिला रहे हैं मुझे, अच्छा काम कर रहा हूं गालियां दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहा हूं तो भी साधन संसाधनों में दीनहीन अवस्था में छोड़ दिया हमें, अच्छा काम कर रहा हूं तो भी लोग अष्टाध्यायी तक का धन नहीं दे पा रहे हैं कि किसी विद्यार्थी को गुरुकुल में अष्टाध्यायी दान दे दे। तो परमात्मा इसका उत्तर चाहिए मुझे। तो परमात्मा ने उत्तर दिया, पुत्र उपेक्षा करो, इग्नोर करो, क्योंकि कर्म करने में वो भी स्वतंत्र है और कर्म करने में आप भी स्वतंत्र हो। अब क्योंकि वो स्वतंत्र है तो इसीलिए जो गाली देना चाहेगा वो देके ही मानेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। श्री कृष्ण जी को शिशुपाल ने 100 गालियां दी ना, 99 गाली इग्नोर की नहीं की। अब कोई मनुष्य 99 बार गलती कहां कर पाता है, वो तो एक उदाहरण है। उस समय सब हमें 100 गालियां दे रहा है, वो तो एक उदाहरण है इतिहास का। ऐसा तो पता नहीं हजारों वर्षों में कभी हो गया तो हो गया, अन्यथा इतना कहां हो पाता है। कोई लगा हुआ आमने सामने बैठ करके गालियां देने, निकल जाओ वहां से। वो तो व्यवस्था और परिस्थिति वैसी थी, वो राजाओं की बात अलग थी और वो परिस्थिति हमारे सामने ऐसी कभी नहीं होती कि 50 देशों के राजा आगे बैठे हुए हैं और ये सब चल रहा है। अपनी तुलना श्री कृष्ण से करते हैं कि जी उन्होंने भी 99 गाली क्षमा करी, 100 में नहीं करी। तो भाई श्री कृष्ण जी तो श्री कृष्ण थे, आप श्री कृष्ण हो, वो तो राजा थे, 50 देशों के राजा बैठे हुए थे, आपके सामने ऐसी परिस्थिति थोड़ी ना है। 99 गलतियां क्षमा करो, 99 गलतियां श्री कृष्ण ने की थी, आप 99 नहीं आप 200 कर दो। वो 99 उस परिस्थिति में की थी, उस परिस्थिति में 99 ही करनी चाहिए थी, 100 में करनी नहीं चाहिए थी, इसलिए मार दिया। आज की परिस्थिति में 500 को भी इग्नोर कर दो, आज ऐसी परिस्थिति है। क्यों, गाड़ी भिड़ी भी नहीं है, उतर के आ गया और गन निकाल के ला गाड़ी से और भटक्का हो गया है ना। आज परिस्थिति भी नहीं, कोई राजा नहीं है आज, आज सब गुलाम है। शराबी वोट डालते हैं तब कोई बन जाता है 5-10 साल के लिए, तो कोई राजा नहीं है, शराबी बना रहे हैं, अपना प्रधान चुन रहे। तो अब वो व्यवस्था कहा 99 गालियों वाली, तुलना श्री कृष्ण जी से करेंगे। अब तो शांत होके अपने लक्ष्य को ऐसे अर्जुन की तरह साध लो और सीधा तीर जाके आंख में लगे, इस प्रकार से मेहनत करो तब सफलता मिलेगी। बाकी जितनी बाधाएं होंगी ना सबको क्या करो, इग्नोर करो, उपेक्षा सुनो ही मत, ध्यान ही मत दो। और शास्त्र ने कहा कब तक बहुत अधिक सामर्थ्य और कोई छोटा मोटा आ जाए तो फिर नष्ट कर दो। लेकिन सामर्थ्य बनाने के लिए उपेक्षा करनी पड़ेगी, इग्नोर करना पड़ेगा, अन्यथा आपको एंगेज कर देंगे वो लोग। अभी नया शब्द आया ना, क्या कर देंगे आपको, व्यस्त कर देंगे। किस चीज में व्यस्त कर देंगे, जो आपका कार्य नहीं है। आपका कार्य है वेद का पढ़ना, आपको एंगेज कर देंगे पानी लाने में, मरुस्थल में ले जाके छोड़ देंगे, यहां करो तपस्या,
तो ऋषि महर्षि कहाँ तपस्या करते थे? जंगलों में, जहां जल, ऑक्सीजन, वायु भरपूर, वृक्ष आदि होते थे, ताकि वो वेद पढ़े, उनको पानी लेने के लिए 50 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। उनका कार्य वेद पढ़ना था, पानी लाना नहीं था। जिसका जो कार्य होता है वो अपना कार्य करे। पानी लाना कोई बुरी बात है? नहीं बुरी बात है। लेकिन जिसका कार्य है वो पानी पिलाए, जिसका कार्य वृक्ष लगाए, जिसका कार्य वेद पढ़ने का वेद पढ़े, वेद पढ़ाए। किसी के पास बहुत धन है, दान देकर सारे संसार पे परोपकार करे, जीव जंतुओं की रक्षा करे। जिसका जो कार्य अपना अपना कार्य करे। अब आपको बनना राजा, मैं राजा बनूंगा, और आपको कोई छली कपटी दूसरा दम भी अहंकारी किसी दूसरी चीज में एंगेज कर ले, आपको दुराचारी व्यभिचारी बनाने का प्रयास करे और आप बन गए, लक्ष्य से भटक गए ना, बड़े बड़े राजाओं की वीडियो निकल जाती है, करियर ही बर्बाद हो जाता है। किसी दूसरी चीज में भटके गए, अपने उद्देश्य से काम से गए, भटक गए, फिर उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो सपने तो सब देखते हैं, सफल तो सब होना चाहते हैं, किंतु सफल केवल वही हो सकता है जो आपसी फूट, जो हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है, उसको समझ गया जो, कि ये क्या चीज है जिसके कारण राष्ट्र विनाश हो रहा और एक परिवार में दो लोग भी इकट्ठे नहीं रह पा रहे हैं। उसको समझ जाओ, उसके कारण को समझ जाओ, उसके समाधान को समझ जाओ, तो भला हो जाएगा। अब यदि आप उसकी एंगेज जो करना चाह रहे उस विषय में नहीं गए, तो वो व्यक्ति थोड़े दिनों तक हाथ पैर मार के फिर चुप बैठ जाएगा, जैसे गली का कुत्ता बैठ जाता है जब हाथी चाहता है, भो 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 करता है। हाथी एक दो बार तो ऐसे ऐसे करता, फिर समझ जाता है, क्योंकि अभ्यास हो जाता है उसका गलियों में, कि ऐसे ही आएंगे जाएंगे, अपने आप ही कुत्ता उसके पास जाता है, अपने आप ही उछल के पीछे जाता, हाथी कुछ नहीं करता है। फिर जब गली बदल लेता है ना हाथी, तो कुत्ता अपनी गली में रह जाता है, फिर वो नहीं आता, फिर कोई और कुत्ता आ जाएगा। अब हाथी तो चलेगा ही भाई, बैठेगा थोड़ी, तो हाथी गली बदलता रहे और कुत्ते आते रहे और वो एंगेज हो जाए तो चल ही ना पाए, फिर तो हाथी को वही बैठना पड़े परमानेंट, कि अब तो कहीं जाऊंगा ही नहीं भाई, यही बैठ जाता हूं, क्योंकि जहां जाऊंगा वही कुत्ते मिलेंगे। तो ऐसे ही जहां आप जाओगे ना, कभी कभी बच्चे कहते हैं मेरे से, हमारे नौजवान भी कहते हैं कि राहुल भाई बेकार में पंगे में पा दे लिया, कि बेकार में ये विरोध, ये सब धर्म कर्म का और ये सब करना प्रारंभ कर दिया, कितने शत्रु बन गए, लोग मारने के लिए घूम रहे, बेकार में इसमें आ गए। तो मैं उन्हें वो कहता हूं, आप क्या बनना चाहते हो? तो बोले जी डॉक्टर, इंजीनियर, फलाना धमकाना, जो भी कुछ बनना चाहते हो। मैंने कहा जितना पंगे पा मैंने दिया ना, उससे अधिक इसमें है, जिस दिन सफल हो जाए उस दिन पता लग जाएगा, अभी तो है ही है। क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं संसार में जिसमें ये अहंकार, द्वेष भाव, महत्वाकांक्षा बीच में अड़ंगा डालने ना आए। विरोधी सब जगह पहुंच जाए, ये मुने रपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वता, उत्पद्यन्ते त्रया पक्षा मित्रो उदासीन शत्रुवः। मित्र भी आ जाते हैं, उदासीन भी आ जाएंगे और शत्रु भी आ जाएंगे, चाहे आप जंगल में जाके तपस्या करने लग जाओ, बचेगा कोई नहीं, केवल वो बचेगा जिसको इग्नोर करना आता है। नरेंद्र मोदी जी देखे हैं, किसी से शिक्षा मिले तो ले लो, राजा है, राजा चाहे अपना जो भी करता रहे, उसके ठीक गलत से हमें कोई तात्पर्य नहीं, वो एक राजा है, उस पर भिन्न विषय पे चर्चा करेंगे। लेकिन जब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री और वो जिनके राज थे किसी समय, उनकी बात आती है तो नाम नहीं लेता है, आज तक नाम नहीं लिया, और इसीलिए पीछे पड़े रहते कि इतना गाली दो, इतनी गाली दो, कि हम मुख से नाम तो निकले हमारा, लेकिन वो अभी जी शेर का पट्टा बोलते हैं ना,
नाम नहीं लेता है किसी का। अगर किसी से आप जानते हैं क्या चीज है, ये उसके जीवन की तपस्या से सीखी हुई चीज है, किसी पुस्तक में नहीं पढ़ रखी, ये जीवन से सीखता है मनुष्य। क्यों आदमी आके पीटते और हम बोलते पीछे देखने लग जाते, पीटते हम फिर अंगे हो जाते, तो हम जितनी दूर जाने चाहिए थे जा नहीं पाते, फिर पता है कि आगे पीटेंगे तो चलते रहो, पीटते रहेंगे चलते रहो, तो जीवन से अनुभव मिल गया तो आगे बढ़ गए, बना की नहीं प्रधानमंत्री। और यदि एंगेज हो जाता छोटे मोटो में तो बनता, इसीलिए मीडिया को बाइट देनी बंद कर दी उसने, मीडिया को बाइट नहीं देता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीख रहे ना आप उससे, अपना समय बचाता है कि जितना इनके साथ जाओगे ना इनके, उतना ही कुछ ना कुछ इधर से उधर करते रहेंगे, कुछ ना कुछ गलत करते रहेंगे, पीछे पड़े रहेंगे और फिर एंगेज होना पड़ेगा। तो इनको जो भोगना भोगते रहो, अपना काम करो, उससे जानते हो क्या फायदा होता है। जब निकल के आता है ना 6 महीने 1 साल में, तो सारे दिखाते हैं फिर, अरे प्रधानमंत्री मोदी ने एक और 3-3, 4-4 दिन तक दिखाते रहते, और अगले 1 साल में आएगा उसे 1 साल के बीच उन्हीं बातों को फिर घुमाते रहेंगे, क्योंकि बात बीच में आता ही नहीं, तो उसकी बात का वजन बढ़ जाता है। शिक्षा मिली कि नहीं मिली, आप सोचते हैं तो ऐसा है, लेकिन उसके पीछे जो सिद्धांत है, जो नीति काम कर रही है, वो बहुत कठोर और बहुत महान है। जिसने उनका पालन कर लिया वही महान बनता है, अन्यथा हमारे तो मुख से शब्द ऐसे ही निकल जाते हैं सरलता से, जुबान पे कंट्रोल होता ही नहीं है, जहां बोलना नहीं वही अपने आप शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो तो इशारों में बात करने वाला व्यक्ति होता है जो महान बन जाता है, जो किसी की आंख पड़ के जान ले किसको क्या चाहिए, जो आंखों से देख लेता है ये क्या कहना चाह रहा है, जो किसी के लैंग्वेज और हाव भाव से पढ़ लेता उस व्यक्ति को, वो जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसे तो बहुत लोग है, 150 करोड़ का देश हो गया है दुनिया में नंबर 1। इसीलिए ऋषि महर्षियों ने शिक्षा दी है कि यदि आपसी फूट से बचना है, यदि संसार में महान बनना है, अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो अहंकारी व्यक्ति से बचो, द्वेषी व्यक्ति से बचो, और स्वयं अहंकारी मत बनो, स्वयं द्वेषी मत बनो, और जैसे महत्वाकांक्षी आप हो ऐसे अपने चारों ओर महत्वाकांक्षी मनुष्यों को मत रखो, क्योंकि आप भी महत्वाकांक्षी हो, राजा बनना चाहते हो, अब फिर से आओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि अभी लेटेस्ट का उदाहरण है ना, हम तो हर एक राजा महाराजा के उदाहरण दे सकते। राजा को कठोर बात बोलने वाला, राजा को उसके विचार के विरुद्ध बात बोलने वाला, सीधा डायरेक्ट एकदम व्यक्ति कभी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जो महत्वाकांक्षी होता है उसे वैसी ही बात करने वाला पसंद नहीं आएगा। उसे कौन पसंद आएगा? चापलूस। उसे चापलूस पसंद आएगा। जो स्वयं महत्वाकांक्षी है वो अपने आसपास महत्वाकांक्षी को रखेगा तो नष्ट हो जाएगा, उसका काम भी इसीलिए चलता है क्योंकि उसके आसपास चापलूस है। आप सोचते हैं चापलूस तो कोई बहुत खराब चीज है, चापलूसी के कारण ईसाई यहां राज कर गए, किया कि नहीं किया? इस चापलूसी के कारण इस्लाम वाले राज कर गए, हमारे राजा उनके यहां चापलूसी करते थे। जो राजा होता है ना उसको अपने आसपास चापलूस बहुत पसंद है, यदि वो राजा महत्वाकांक्षी है तो आज यहां पर वैदिक काल के राजा तो नहीं होंगे, ये तो आप भी मानते हैं। जो ऋषि महर्षियों की बात सुनते थे, कठोर बात हाथ जोड़कर सुन लेते थे, उस पर विचार करते थे, उसको धारण कर लेते थे, ऐसे तो प्राणी नहीं है। जब से ऐसे राजा समाप्त हुए तब से फूट हो गई, क्योंकि राजा भी महत्वाकांक्षी, मंत्री भी महत्वाकांक्षी, संतरी भी महत्वाकांक्षी, सारे महत्वाकांक्षी इकट्ठे हो गए। अब राजा एक राजा को मार के दूसरा आके राजा बनता है, इतिहास पिछले 5-10 हजार साल का उठा के देख लो,
किसी भी मतपंथ संप्रदाय वाले का उठा लो, एक राजा को उसी के पीछे वाले ने मारा और वो आ गया क्योंकि सारे महत्वाकांक्षी हो गए। इसीलिए यदि आपके अंदर महत्वाकांक्षा हो लेकिन धर्म के लिए हो, वैसे महत्वाकांक्षा कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आप धार्मिक हैं और आप महत्वाकांक्षी हैं तो सावधान हो जाना, अपने आसपास चापलूसी रख लेना, महत्वाकांक्षी मत रखना। वो चापलूस 10 साल जिला देंगे आपको, लेकिन वो महत्वाकांक्षी 10 दिन में ही खत्म कर देंगे आपको। इसीलिए धर्मज्ञ बनो, और यदि इतना वेद का ज्ञान नहीं है और आपको संभालने के लिए ऋषि महर्षि नहीं है, कोई अच्छा गुरु नहीं है, परिस्थिति आपातकाल आया हुआ है, आपके अंदर महत्वाकांक्षा आप जानते हैं लेकिन आपके अंदर तड़प भी है वेद का प्रचार करने की, तो अपने आसपास चापलूसी रख लो। ये महत्वाकांक्षी तो बड़ी बड़ी संस्थाओं को लूट के खा रहे हैं, इनसे अच्छा तो वो जो काम करते हैं आपकी जी क्या करूं, वो बहुत अच्छे हैं, आप जो कहेंगे वो कर देंगे। लेकिन ये महत्वाकांक्षी आजकल वो हो गए जो पाखंडी हैं, वेद का प्रचार करने वाले महत्वाकांक्षी भी नहीं रहे, अब पाखंड का प्रचार करने वाले महत्वाकांक्षी हैं, उनकी चापलूसी होती है तो संसार का नाश हो जाता है जैसे भारत का नाश हुआ है। ये थोड़ा विषय गंभीर नहीं हो गया, घूम गया ना विषय थोड़ा, कि महत्वाकांक्षा अच्छी या बुरी, कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? वास्तव में यदि ऋषि महर्षियों का काल होना तो महत्वाकांक्षा अच्छी नहीं है, एक एक बिंदु को समझना। अब इस संसार में जहां वेद पढ़ने पढ़ाने वाले नष्ट प्राय हो गए, और पढ़ भी रहे तो समझने वाले नहीं है, समझ भी रहे तो धारण करने वाले नहीं है, ऐसी परिस्थिति में यदि किसी के दिल में यह तड़प है कि वेद का प्रचार हो, आग लगी हुई है और वो महत्वाकांक्षी भी है, तो वो काम चला लेगा चापलूसों से, अपने जैसे ही दूसरे महत्वाकांक्षी ले लेगा तो उनमें लड़ाई होगी, फिर वेद का प्रचार गौण हो जाएगा, लड़ाई मुख्य हो जाएगी उनकी। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात पे आओ, ऐसे वेद के दिल में तड़प हो जिसके, ऐसे वेद की तड़प वाले महत्वाकांक्षी भी नहीं। अब तो अब कौन महत्वाकांक्षी है? पाखंड का प्रचार करने वाली महत्वाकांक्षा है, गुरु घंटाल बनने वाली महत्वाकांक्षा है, अंधविश्वास फैलाकर धन ठगने वाली महत्वाकांक्षा है। ये वाली महत्वाकांक्षा विनाश करवा देती है, इनको भी चापलूस मिल गए तो और ज्यादा हानि। तीनों बिंदु समझ गए? मैं जानता हूं थोड़ा कठिन विषय है, इस महत्वाकांक्षा को समझना, इस एम्बिशन को समझना इतना सरल नहीं है, कठिन विषय है, किंतु ऋषि महर्षियों ने पॉइंट टू पॉइंट समझा दिया तो समझ में आ जाता है, आपकी बुद्धि में आ गया होगा ना विषय। तो कैसे बचे इस एम्बिशन वालों से, इन द्वेष वालों से, अहंकारियों से? बताइए, इग्नोर करके, उपेक्षा करके। और इग्नोर के विषय में बड़ी गहनता से मैंने बता दिया है, कैसे इग्नोर करते हैं, क्यों इग्नोर करते हैं, आपके इग्नोर करने से परिणाम क्या निकलेगा, ये भी आप जान गए। तो फूट के विषय में बड़े विचार चलते हैं, एक दूसरे से बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं चलती हैं, और मैंने देखा है संगठन और सभाओं की जब जब मीटिंग होती है, मान लो मीटिंग हुई 2 घंटे की, उस सभा में 1 घंटा व्यर्थ की बकवाद करने में, व्यर्थ की चर्चा करने में चला जाता है। कौन सी चर्चा? ये हो गया, वो हो गया। अरे आप अपनी चर्चा करो ना, जो मुख्य बात वो करो। वही फूट का विषय हर महीने 5 बार मिलेंगे, 5 बार चलेगा, और ये समाधान ऋषि महर्षियों और हमारे सूत्रों से मिल रहा है। अभी समाधान को आज ले लो तो आगे चर्चा ना करनी पड़े, धारण कर लो। ये बोलने की विषय नहीं है, ये अगर अयोग्य व्यक्ति यूट्यूब पे कहीं सुने इन विषयों को तो उनकी समझ से बाहर के विषय है ये, कि क्या कह रहा है, क्योंकि सुनने के रजाई में पढ़ के सुनने का विषय ही नहीं है, ये तो जीवन में धारण करने का विषय है। बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा दी है कभी किसी को?
लेकिन बुद्धिमान तो उसके जीवन से देख के सीख सकता है। सोड़ में पड़े पड़े 20 वीडियो देख लो, ये बात, ये कई असली बात। अब फंसेगा राहुल गांधी, मूर्ख तो ऐसे चिल्लाएगा, ऐसी बात करेगा ना, बुद्धिमान गंभीरता से देखेगा क्या बात कही, क्यों कही, क्या परिणाम निकलेगा, क्या भाव भंगिमा थी, कैसे उसके हाथ पैर मूवमेंट कर रहे हैं, उनसे क्या लाभ ले रहा हो व्यक्ति, पता नहीं क्या क्या विचार करेगा बुद्धिमान। तो जब समाधान हमें मिल गया है, आज से ही धारण कर लो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए विषय लेने हैं, ये वाला विषय प्रचार करने का भी नहीं है। आप सोचे किसी और को बताएंगे, अपने जीवन में तो आया नहीं, किसी और कोई और अपना लेगा, मैं नहीं अपना तो बाहर वाला कौन अपनाएगा, ये मेरे अपनाने के लिए ये वाला विषय, ये किसी को बताने के लिए नहीं, मुझे ऐसा बनना है। तो आपसी फूट, उसके कारण और उसका निवारण आप समझ गए होंगे, ठीक। कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, नहीं तो शांति, ओ हम मंत्र पाठ करेंगे, ठंडाई लेंगे और फिर से कक्षा प्रारंभ, आज और कल निरंतर चलेंगी कक्षाएं। जैसे रूलिंग पार्टी है, वो जो जितने भी रूल्स बनाती है, अपनी महत्वाकांक्षा को बनाती है, लेकिन एक तरफ हमारा कानून कहता है कि भाई कोई भी रूल बना दिया तो उसका पालन करना पड़ेगा, इग्नोरेंस तो चलेगी नहीं वहाँ पे, इग्नोरेंस वहाँ पर। अब जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को तो भाई इस नियम का पता नहीं था, या मैं इस वहाँ पे नहीं जा सकता, या फिर मैं ये ट्रैफिक का नियम इसका मेरे को पता ही नहीं था, नहीं वहां महत्वाकांक्षा नहीं, वो तो नियम है, वो भी महत्वाकांक्षी लोगों के बनाए हुए नियम भी। नियम अपने आप आसमान से नहीं पड़ते हैं, वो उन्हीं लोगों के बनाए हुए हैं अपने लाभ के लिए, कभी कभी उन्हीं के ऊपर उल्टे भी पड़ जाते हैं। लेकिन मान लो नियम अपने ऊपर उल्टा पड़ गया, मान लो लालू प्रसाद यादव ने नियम बनाया कि यदि किसी ने चारा खाया तो ये सजा मिलेगी, जब लालू प्रसाद यादव नहीं रहा, मतलब मर नहीं गया, सत्ता में नहीं रहा, जब लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में नहीं रहे, अब जी तो क्या लगाएं, तो दूसरे कोई आए, उन्हीं के बनाए हुए कानून से उन्हें फंसाया, अब लालू प्रसाद यादव इग्नोर करे तो सुखी रहेंगे, ठीक है, बनाया हुआ मेरा ही है, लेकिन क्योंकि सजा मिलेगी तो उपेक्षा करेंगे तो उतना दुख नहीं होगा जितना उपेक्षा ना करने पर होगा। इसीलिए उपेक्षा करेगा तो कोई भी उपेक्षा कर लो, सुख तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा, दुख तो कम होगा ही होगा। अपनी महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अध्यादेश लेके आए थे, लेकिन वो उसने पाड़ दिया राहुल गांधी ने, उसके चक्कर में अब वो। तो तात्पर्य क्या है, ये शिक्षा का विषय है, कोई पॉलिटिक्स का राजनीति का विषय ही नहीं है। वो क्या करते हैं, वो ठीक गलत है, वो कोई संस्था संभालेगी, हम ना तो उसके माहिर है, ना उनकी गहरी बातों को जानते हैं, और ना हमें जानने की कोई रुचि है। हमें अपने राष्ट्र को कैसे अच्छा बनाना है, कैसे अपने लोगों को एक करें, मानवतावादी लोग कैसे एक होकर ताकत बढ़ाएं, वेद का कैसे प्रचार हो, केवल मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र सुखी हो, बकरों की भी गर्दन ना कटे, हम उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत पुरुषार्थ कर, उसके लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वाली शिक्षा जो अब बताइए धारण करनी है, ये प्रचारित नहीं करनी है, ठीक। दुखी तरह की कहने, दुखी ना हो, दुखी करने वाला दुखी हो जाएगा यार, दुखी नहीं हो जाएगा है ना, वही है ना, वही तो ये एकदम सत्य है, ये प्रत्यक्ष देखने में आता है कि यदि बार बार कोई हमें दुखी करने का प्रयास करे और आप आनंद में दिखे, जब भी आनंद में दिखे तो भाई ये क्या आदमी है, मैं परेशान हो लिया दुखी कर, षड्यंत्र मैंने कर लिए, धन मैंने खर्च कर लिया, किसी वैश्य को भेज के आरोप भी लगवा दिया, अथवा किसी पुरुष को भेज के आरोप लगवा दिया, इसका कुछ बिगड़ ही नहीं रहा, तो दिमाग खराब हो जाता है, फिर और क्या करता हो, अंतिम उपाय चलो शाने शेवड़े के पास, इसको ओपरा करवाएंगे, ओपरा करवा देता है, हमारे जैसे कोई ओपरा भी नहीं होता, क्यों क्यों,
जो लोग सब लोगों में भूत घुसाते हैं ना, हम तो खुले आम सबको बोल रहे हैं ना, एकदम खुले आम, वो हमारे अंदर वो शाने शेवड़े खुद भूत घुसाने का प्रयास करते होंगे, कुछ घुसता नहीं तो बहुत परेशान होते हैं, घर में बैठे बैठे अपना माथा जरूर पीटते होंगे और हम यहाँ आनंद में, तो वो एकदम सही बात, आपकी कोई दुखी करे दुखी हो ही मत, तो वो स्वयं ही दुखी हो जाएगा। तो मंत्र पाठ करते हैं फिर कुछ ठंडाई। देखो जिसका स्वास्थ्य खराब हो वो मत पीना। क्या मेरा स्वास्थ्य ठीक है तो आपको मिल जाएगी, ठीक है।